students, we are going to start our 7th chapter, and the name of the 7th chapter is conservation of plants and animals. तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के और उनके प्लांट्स एंड एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली हम सबको ये पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं. ऑलमोस्ट मतलब सम ऑफ द प्लांट्स एंड सम ऑफ द एनिमल्स आर देयर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है इससे, एंड हमारा नेचर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसकी वजह से सफ़र कर रहा है. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू कंजर्व आर प्लांट्स एंड एनिमल. अंडरस्टूड? सो बिफोर वी बिगिन विद द चैप्टर, आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ द इको सिस्टम ओवर हियर. What is ecosystem? It consists of all the things which are there in our environment, whether it is living or non-living. ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें हमारे environment में होती हैं, that is our ecosystem. ठीक है, so let us start with the chapter. So the world is full of many types of animals and plants. Animal depend on plants and other animals for their food, while plant make their own food using soil, air, water and sunlight. These constitute an essential part of our environment. Thus, it is evident that life of an organism is directly or indirectly affected by the living and the non-living thing around it. So basically, इस first introductory part में ये बताया गया है कि जो world है, it is full of different types of animals and plants. एनिमल्स और प्लांट ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जांपल, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, वेयर एज प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्लांट जो एनिमल पे डिपेंड करते हैं. एंड ऑल्सो दे डिपेंड ऑन सॉयल, एयर, वाटर एंड सनलाइट फॉर मेकिंग देयर फूड. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग पे डिपेंड करते हैं. क्लियर? सो बेसिकली आपको फर्स्ट पैरा में ही बताया गया है कि दस इट इज़ एविडेंट दैट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड इट. एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद ऑल नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, क्लाइमेट, डेल्टाज एक्सेट्रा. अब जो हमारा इकोसिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, क्लाइमेट, डेल्टाज एक्सेट्रा. तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हमारे इकोसिस्टम में आती हैं. सो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे चैप्टर का. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? द बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द डाइवर्सिटी बिटवीन द लिविंग फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. तो लिविंग फॉर्म्स के बीच में जो डाइवर्सिटी है वो क्या करती है? वो हमें बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देती है. फॉर एग्जांपल, कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, इनके बीच का रिलेशनशिप और उनका रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. क्लियर? सो द वाइड वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद द फ्लोरा एंड फाउना, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये सब मिल करके क्या बनाती है? हमारी बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया. वो प्लांट्स की, बेसिकली प्लांट्स की वेराइटी, एनिमल्स की वेराइटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वेराइटी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ये हमें क्या बताती है? हमें वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बताती है. क्लियर? नाउ वी हैव लर्न प्रीवियसली दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट. All living organisms have some fundamental similarities. Yes, nature is full of diverse living organisms which grow, multiply and thrive at a given time in a particular habitat. So basically, आप ये जान लीजिए कि जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसके बने होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट के बने होते हैं.
एंड द जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी कुछ ना कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल की रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ और डिफरेंट टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, भले उनका तरीका अलग हो पर वो उनका फंक्शन कहीं ना कहीं सेम होता है। पर इन सब चीज़ों के अलावा जो नेचर है इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमारा जो नेचर है उसमें डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स नेचर दिखाते हैं। जैसे कि ग्रो एंड ये एनिमल्स क्या लाइफ प्रोसेसेस दिखाते हैं, इनके लाइफ प्रोसेस हैं दैट इज़ दे ग्रो, दे मल्टीप्लाई एंड थ्राइव एट एनी गिवन टाइम इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं इजिली। सो देयर लिव 10,000s ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। सो अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट की बात करें तो देयर आर अराउंड 10,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जाना कि देयर आर अराउंड 10,000s ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसोलेट डेजर्ट वेयर वी डू नॉट सी मैनी प्लांट्स एंड एनिमल हैव थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया कॉन्स्टिट्यूट द वेराइटी ऑफ द एरिया। तो मतलब कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनकी जो वेराइटी है, जो वाइड वेराइटी है किसी भी एरिया में, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करती है, उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी। लाइक रिलीजन, कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी, इंडिया ऑल्सो हैज़ अ बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम सब ने ऑलरेडी पढ़ा है ये चीज़ सोशल साइंस में, इवन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी हम कई बार इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि जो हमारा रिलीजन है वो कितना अलग है, हमारे कल्चर्स एक दूसरे से कितने अलग, हमारे लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस ये सब कितनी अलग हैं, ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी हमारी अलग है। लेकिन इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी अलग है एक दूसरे से। इट ऑल्सो हैज़ अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट रेंजिंग फ्राम अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू अल्पाइन वेजिटेशन एंड फॉर्म्स अ कोस्टल वेटलैंड टू द टेम्परेट फॉरेस्ट। तो इन सबको अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इनकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक दूसरे से अलग है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी कि इंडिया में भी डिफरेंट बायोडाइवर्सिटीज़ हैं अगर हम इन सारी चीज़ों को कंपेयर करें तो। प्लांट और एनिमल जो होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन का, उनको हम फ्लोरा और फाउना कहते हैं। प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं, वेयर एज एनिमल्स आर कॉल्ड एज फाउना किसी भी पर्टिकुलर रीजन के, एंड दे टुगेदर मेक अप द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। इंडिया इज़ वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फाउना। सो इंडिया जो है आपका इट इज़ वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फाउना। द फ्लोरा एंड द फाउना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नेचर। जो फ्लोरा और फाउना होता है इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर नेचर, देयरफॉर द देयर मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो इनका जो मैनेजमेंट होता है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेशन के डेवलपमेंट के लिए। फॉरेस्ट वेल्थ जो है हमारी, मतलब बेसिकली इसमें हम फॉरेस्ट की वेल्थ के बारे में बात करेंगे। सो हम सबको ये पता है कि या हम अपने नीड्स के लिए, अपनी ग्रीड के लिए फॉरेस्ट को अनवांटेडली कट कर रहे हैं, एंड फॉरेस्ट जो है कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। फॉरेस्ट से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन विच इज़ आर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। ऑक्सीजन जो है वो हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, अदर ऑक्सीजन के बिना वी कॉन्ट सर्वाइव। इसके अलावा भी फॉरेस्ट गिव्स अस मेनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर फॉर टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर, वुड फॉर फ्यूल, वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, लेटेक्स फॉर मेकिंग रबड़, गम, रेजिन, टर्पेंटाइन एंड मैकेनिक मेडिसिनल प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं। तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिकॉज इट डिपेंड ऑन देम फॉर द शेल्टर। सो ये प्रोटेक्शन देते हैं वाइल्ड लाइफ को क्योंकि ये फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं अपने शेल्टर और फूड के लिए। ये इकोलॉजिकल बैलेंस भी हमारे एनवायरनमेंट में मेंटेन करते हैं क्योंकि ये
जो फॉरेस्ट होता है और उसमें जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ वगैरह, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं एंड वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है हमारा, हमारे सस्टेन, हमारी लाइफ सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई दे मेंटेन द बैलेंस इन द एटमॉस्फियर. दे हेल्प द सॉइल टू मेंटेन फर्टिलिटी एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ये सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. दे रेगुलेट द टेम्परेचर. दे ऑल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर. ये क्या करते हैं, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं. नोटेबली फॉरेस्ट रीजन नियर अ सिटी आर कूलर देन द अदर रीजन. जो हमारा फॉरेस्ट रीजन होता है किसी भी सिटी के, वो सिटी ज़्यादा कूलर होती है व्हेन कंपेयर टू द अदर रीजन. तो ये सब क्या है, हमारे नेचर में भी एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ये. बाय स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ द रेन फॉर रेन वाटर फॉरेस्ट मेंटेन द वाटर टेबल. इट रिजल्ट इन द इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल. इट हेल्प्स इन चेकिंग द फ्लड ऑल्सो. ये क्या करता है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है बाय द सॉइल. इट ऑल्सो हेल्प्स इन चेकिंग फ्लड टू. ठीक है, सो दीज वर द फ्यू एग्जाम्पल्स बाई विच वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है. सो हमारा जो फॉरेस्ट है बेसिकली ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा इन्वायरमेंट नहीं होगा एंड इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. इवन वी वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन आवर लाइव्स ऑल्सो. दैट इज़ वाई फॉरेस्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो ये था आपका फॉरेस्ट. वेल, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन क्या है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज ऑन अ लार्ज एरिया ऑन अ लार्ज स्केल इज़ नोन एज डीफॉरेस्टेशन. अगर ट्रीज़ को या फिर फॉरेस्ट को हम लार्ज नंबर में या लार्ज एरिया में कट कर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज डीफॉरेस्टेशन. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द लैंड फॉर सिटीज़ कम बाई क्लियरिंग फॉरेस्ट. कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अर्बनाइजेशन एंड अदर पर्पस इज़ नोन एज डीफॉरेस्टेशन. बिलो आर गिवन द वेरियस कॉजेज ऑफ डीफॉरेस्टेशन. सब लैंड का जो ज़्यादातर पोर्शन होता है ये सिटीज़ से आता है बाई क्लियरिंग फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को क्लियर करके, फॉरेस्ट को अगर हम कट करते हैं बाई यूजिंग द लैंड फॉर अर्बनाइजेशन एंड अदर पर्पस, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीफॉरेस्टेशन कहेंगे. बिलो आर गिवन द वेरियस कॉजेज ऑफ डीफॉरेस्टेशन. अब डीफॉरेस्टेशन के कुछ कॉजेज दिए हुए हैं. डीफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज होते हैं, बेसिकली फॉरेस्ट आर क्लियर्ड अप टू बिल्ड डैम, रोड्स, होम, होटल्स एंड सेट अप फैक्ट्रीज. सो ह्यूमन यूज़ के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है. फॉर एन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फार्मिंग नीड्स टू बी डन ऑन अ लार्ज स्केल. सो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि फार्मिंग जो है उसे लार्ज स्केल पर करना पड़ता है. एंड हैंस टू मीट द डिमांड फॉरेस्ट आर कट. तो अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है. फॉर माइनिंग, सो ये था हमारा एक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. नेक्स्ट इज फॉर माइनिंग मिनरल्स सच एज पेट्रोलियम ओर्स एंड कोल. तो अब मिनरल्स को माइन करने के लिए भी, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी फॉरेस्ट आर बीन कट डाउन. फॉर गेटिंग वुड विच इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फर्नीचर एंड फॉर यूजिंग एज फ्यूल. वुड ऑब्टेन करने के लिए इट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फर्नीचर एंड फॉर यूजिंग इट एज अ फ्यूल ऑल्सो. तो इन सारे पर्पज के लिए भी वुड चाहिए होता है. वुड कहाँ से मिलेगा, दैट वी विल गेट इट फ्रॉम द फॉरेस्ट ओनली, है ना. तो वो भी वहीं से मिलता है. दैट इज़ वाई वहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन होगा, वहाँ पर भी ट्रीज को काटा जाता है. ओवर ग्रेजिंग इज़ अनदर मेन रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन. ओवर ग्रेजिंग भी कई बार मेन रीज़न हो जाता है डिफॉरेस्टेशन का. It not only destroys grassland but also trees in the forest. Small plants are eaten or trampled by the animals. So इसमें क्या होता है कि grassland के साथ साथ जो trees होते हैं forest में वो भी destroy किए जाते हैं. कुछ plants जो होते हैं it is eaten up and trampled by animals. So ये सब क्या होते हैं, animals के through destroy किए जाते हैं. So apart from the causes stated above there are some other reasons too for deforestation like fire, forest fires, drought, diseases, tsunamis etc. इन सब रीजंस के अलावा देर आर ऑल्सो सम ऑफ द नेचुरल रीजंस, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स हो गया आपका, ड्रॉट हो गया, डिजीजेस, सुनामीज एक्सेट्रा. दीज ऑल्सो लीड टू द डीफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज
ये था हमारा डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। फ्यू ऑफ द इफेक्ट्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में राइज कर देगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगर बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग उससे इंक्रीज़ हो जाती है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी एंड इट विल रिजल्ट इन द लोअर रेनफॉल। तो इससे क्या होगा, रेनफॉल बहुत कम होगी। इट इंक्रीजेज सॉइल इरोजन। सिंस द टॉप सॉइल इज एरोडेड, द लोअर हार्ड एंड द रॉकी सॉइल विथ लेस ह्यूमस गेट एक्सपोर्ट। तो ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज सॉइल इरोजन। अब इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है, क्योंकि अगर कोई प्लांट नहीं रहेगा, ट्रीज नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली सॉइल सॉइल जो है वो एक जगह होल्ड होकर के नहीं रहती है। दैट इज़ वाई सॉइल जो है इट इज़ ब्लोन ऑफ विद द एयर और इट इज़ वॉश्ड ऑफ विद द वाटर। सो दिस इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन भी एक रीज़न हो जाता है यहाँ पे। दिस पार्ट ऑफ द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल नोटेबली। अब ऐसी सॉइल जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, रॉकी हैं, और जिसमें लेस ह्यूमस है, सब क्या हो जाएंगी, ये दिस सॉइल्स आर लेस फर्टाइल। ऐसी सॉइल जो होती हैं ये सब लेस फर्टाइल होती हैं, दैट इज़ वाई ये किसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं है, और ये हमारे यूज़ की नहीं होती हैं। फिर नोटेबली इफ़ द सॉइल इरोजन कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्गर पीरियड इट कन्वर्ट्स द लैंड इनटू डेजर्ट। सो अगर सॉइल इरोजन लंबे टाइम तक कंटिन्यू रह गया फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो वो लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहा गया। क्या कहा गया है, डेजर्टिफिकेशन कहा गया। प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन एंड द वर्ड डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इंक्रीजेज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, इसको इंक्रीज़ करता है, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर लेवल। ये ग्राउंड वाटर लेवल के डिक्लाइन में भी रिजल्ट करता है। इट ऑल्सो मैक्सिमाइजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्लड। ये फ्लड की पॉसिबिलिटी को भी मैक्सिमाइज कर देता है। इट रिड्यूसेज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो रिड्यूस होते हैं, जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं उसमें भी रिडक्शन हम देखते हैं कहीं ना कहीं। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स, जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है, चाहे वो वुड है या किसी भी तरीके के मेडिसिनल चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों का जो नंबर होता है वो ऑब्वियसली उसमें रिड्यूस हो जाता है, और उससे हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि जिसका कॉन्सिक्वेंसेज होता है इफ देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट एंड देयर इज़ डिफॉरेस्टेशन। Hope you have understood this much. Next topic is wildlife. We'll continue the wildlife in the next video. Hope you have understood this much. Still, if you are facing any confusion, you can ask on my WhatsApp, on my personal WhatsApp, or you can simply call me. Thank you and have a nice day, everyone.